मौसम ऐसा हो रखा है और ठंडी हवा चल रही है, साथ में आप काटती हूँ सब्जी। आपने दिन में खाया नहीं खाया क्यों? मम्मी के साथ खाऊंगा करके। अच्छा मॉर्निंग, नमस्कार। पहला मैं शिव भावना रोहतेला अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, अभी रास्ते से कर रही हूँ। आज मौसम ऐसे ही हो रखा है, आज भी तो पूरा बादल लगे आसमान में, ठंडा हो रहा है। तो मैंने टोपी पहन लिया, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। कल भी ऐसे हुआ था, कल भी धूप नहीं। ये हम रास्ते में हनुमान मंदिर के वहाँ पे, तो वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। हमको हो रही है देर, बच्चे आँखें चल रहे हैं, रोज़ हमको घर से देर हो जाती है, तो नहाया तो देर हो गई है। आज सीधे आपको रास्ते मिलेंगे या तो स्कूल मिलेंगे। आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ही होगा तो बर्फ़ गिरेगी। कल भी नहीं आई थी धूप, आज भी नहीं आई है। एक बार बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। बाहर का मौसम अच्छा सा हो रखा है, धूप नहीं आई, हवा भी नहीं चली, पर मौसम ठंडा नहीं हो रहा है उतना। तो मौसम ऐसा हो रखा है, पूरा बादल लगे आसमान में। तो आगे से बच्चे चल रहे हैं, पीछे जा रही हूँ मैं, बट चलते हैं क्योंकि स्कूल दूर है तो देर होती है। अब आपको सीधे स्कूल में जाके मिलेंगे। तो हम बाहर से बैठे, अच्छी सी धूप आई है इधर ही, तो सुबह से बादल लगे थे, अभी अच्छी सी धूप आ गई है, बच्चे भी बाहर से बैठे हैं, धूप अच्छी सी आ गई है। सोच रहे थे हमने सोचा बर्फ़ गिरेगी, गिरे ही नहीं, बट धूप अच्छी सी आई है। अभी तो सुबह तक पूरा बादल लगे थे, अभी 12 बजे से धूप आ गई है। एक बार दिखाती हूँ बाहर, बाहर का मौसम तो अच्छी सी धूप आ गई है, आसमान में बादल भी एक भी नहीं है, तो अभी भी मौसम साफ हो गया है। बच्चे इधर धूप सेक रहे हैं, अभी धूप सेक के पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी थोड़ी देर में मिलेंगे। फिर छुट्टी हो गई है तो हम छुट्टियों के रास्ते में जा रहे हैं घर को। तो अभी धूप आई अच्छी सी, आज सुबह से मौसम ऐसा हो रहा था जैसे बर्फ़ गिरती है, पर मौसम नहीं हुआ, खुल गया। अभी धूप आई अच्छी सी, पीछे मेरे साथ बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम चढ़ाई में चल रहे हैं। अब आपको सीधा हम घर जाके मिलेंगे। अब हम स्कूल से आ गए हैं, तो हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैं बाबू से पूछती क्या खाना, बाबू आज क्या खाना बनाया है? कह रही फेवरेट दाल भात बनाई है मम्मी की, कह रही है। तो अब खाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको खाने में क्या बनाया है। मेरी मम्मी जी ने गोहद की दाल और एक आबे के लिए है। तो ठंडा हो रहा था, हमने नहाया था, सुबह से ठंडा भी हो रहा मौसम, तब गोहद की दाल बनाई है, गर्म होती है, इसको खाती है ना। और भूख लगी आपको भी लगी है? कन्नू तो स्कूल जा रही है, आपको भी लगी? नहीं लगी। आपने दिन में खाया नहीं खाया क्यों? मम्मी के साथ खाऊंगा करके। अच्छा ठीक है भैया, आप खाना खा लेते हैं, डिग्गू को फूल के फिर मिलेंगे आपसे। अब हो गया शाम का टाइम, हो गया है तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लिया मैंने। शाम का टाइम हो गया, मौसम सुबह बादल लगे थे, फिर दिन में थोड़ी धूप आ गई थी, अभी मौसम ऐसा हो रखा है बाहर, ये पूरे बादल लगे हैं, मौसम ऐसा हो रखा है और ठंडी हवा चल रही है साथ में। आप काटती हूँ सब्जी, तो देखती हूँ सब्जी में क्या बनाती हूँ, इसके बाद मिलूँगी भी आपसे थोड़ी देर में।